वेलकम टू कारखाना फ्रेंड्स, आज हम एक नया वॉक अराउंड वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। और हमारे पास जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा और ये इसका VXI वेरिएंट है। VXI वेरिएंट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दो और वीडियो देखो। चलिए गाड़ी के पास मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी की। देखिए कुछ इस तरह का इसका जो की है ये आपको मिल जाती है, इसमें कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के लिए, आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है। तो कुछ ऐसे इसकी जो की है रहने वाली है, बहुत ही छोटा सा है, पॉकेट में आराम से इसको रख सकते हैं। चलिए अब गाड़ी के पास चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वेरिएंट यानी कि हमें VXI वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूफ़ से ही बात करेंगे। तो सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर एंटीना के लिए एक यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, बाद में यहाँ पर एंटीना लगा दिया जाता है डिलीवरी के टाइम में। अब यहाँ पर हम इसकी लुक की बात करें तो फ्रंट लुक देखेंगे तो ग्रिल देखेंगे, यहाँ पर आपको क्रोम इंसर्टेड ग्रिल मिल जाती है, साथ में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। हेडलाइट्स यहाँ पर आपको डुअल चैम्बर प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आप दोनों लाइट्स देख रहे होंगे। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है जो कि लो बीम हाई बीम दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं इसका DRL लाइट जो कि आपको टर्न इंडिकेटर भी इसी के अंदर मिल जाता है। और नीचे यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है फॉग लाइट के लिए। फॉग लाइट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, लेकिन आप एसेसरीज़ में इसको लगवा सकते हैं। बॉडी कलर बम्पर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और जो स्किड प्लेट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं, गाड़ी को एक बोल्डर लुक दे देती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको सबसे ऊपर यानी कि इसकी रूफ़ की तरफ लेके जाऊँगा, जहाँ पर आप देखेंगे रूफ रेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि पूरे ब्लैक में आते हैं। अब बात करें इसके ORVMs की तो ये आपको बॉडी कलर ORVM विद टर्न इंडिकेटर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर में ही मिल जाते हैं। पैसिव एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्किड प्लेट्स भी आपको नीचे मिल जाती हैं जो कि आपकी गाड़ी को कुछ स्क्रैचेस से बचा लेते हैं। और बात करते हैं इसके व्हील्स की तो ये देखिए यहाँ पर आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं जो कि व्हील कवर के साथ आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब इसके टायर डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो आपको बता दूँ 20560R16 यानी कि 16 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं। चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मुझे दिखाना है इसकी जो A, B और C पिलर है तो ये आपको ब्लैक टेप में मिल जाती है। और ये रहा इसका जो रियर प्रोफाइल है, ये आप देख सकते हैं किस तरह का है। ये देखिए सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्पॉइलर जो कि बॉडी कलर में ही है और यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। LED हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आपको इधर दिया गया है। डिफॉगर इस वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर वाइपर और वॉशर नहीं मिलता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। क्रोम फिनिश के ऊपर आपको एक प्लेट मिल जाती है जिसके ऊपर विटारा ब्रेजा की बैजिंग आप देख सकते हैं। टेल लाइट्स अगर देखें LED टेल लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी मिलता है। बॉडी कलर बम्पर आपको अगेन पीछे भी मिल जाता है, रियर में भी, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेंसर्स भी हैं ये भी मिल जाते हैं। नीचे ही आपको रियर रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। स्किड प्लेट आप देखेंगे तो अगेन आपको ये ब्लैक में मिलते हैं। अब हम गाड़ी के रियर हिस्से में खड़े यानी कि पिछले हिस्से में खड़े हैं, तो अब इसका हम बूट स्पेस देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो देखिए जो आपको बूट स्पेस है ये आपको 328 लीटर का मिल जाता है, यानी कि 328 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर मिलता है, आप आराम से अपने 2 या 3 जो बड़े बैग्स हैं वो भी कैरी कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको यहाँ साइड में भी कुछ स्टोरेज के लिए जो स्पेस है वो दिया गया है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको एक हुक भी देखने के लिए मिल जाएगा, 2.5-3 किलो 4 किलो तक आप इसमें सामान भी कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स के लिए यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं। सपोज़ कभी आपके पास कार्गो ज़्यादा है पैसेंजर कम है तो उसके आप उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर जो एक रिबन दिया हुआ है दोनों साइड्स में आपको ये रिबन मिलता है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको इस तरह से ओपन कर लेना है। ये देखिए अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ से आपको क्या करना है ऐसे ओपन करना है और सीट्स को फोल्ड कर देना है, आगे की तरफ धक्का मार देना है
कुछ इस तरह से चला जाएगा, सीट बेल्ट की वजह से भी अटक रहा है, ये फ्लैट हो जाएगा और आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा रूम स्पेस मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलती है, जैसे अभी आप दिखा दूँ आपको, ये वाली जो सीट्स है ना जिसके ऊपर आप बैठते हैं, तो ये भी आगे फोल्ड हो जाती हैं और इसको भी आप आराम से हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब आप अंदर आ ही चुके हैं तो आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको डोर में क्या मिलता है। तो डोर कुछ इस तरह से ब्लैक इंटीरियर में मिलेगा और गाड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइटिश ऑफ वाइट बोल सकते हो, तो कुछ इस तरह की जो लुक है वो रहने वाली है, डुअल टोन आप इसको बोल सकते हो। देखिए अब डोर में आपको डोर हैंडल जो है ये पूरा ब्लैक मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपको जो ग्रिप है ग्रिप होल्डर भी मिल जाएगा। पावर विंडो के लिए कंट्रोलर आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा, आप अपनी पीछे वाली जो विंडो है उसको भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। और इस हिस्से में आप देखेंगे कुछ यहाँ पर फैब्रिक का काम हुआ है जो कि ब्लैक फैब्रिक में है, ठीक है, अच्छा है, आर्मरेस्ट भी ठीक सही जगह पे दिया हुआ है। नीचे स्पेस मिल जाता है, 1 लीटर की या फिर आधे लीटर की बॉटल जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर स्पीकर भी मिल जाते हैं, इस गाड़ी में आपको 2 ट्विटर और 4 स्पीकर्स का सेट मिल जाता है जो कि मैं आगे से भी अभी आपको दिखा दूंगा। चलिए अब पीछे आए हैं तो सीट पर बैठ के देखा जाए कैसी जगह मिल रही है। तो देखिए भाई आगे वाली यानी कि ड्राइवर सीट जो है काफ़ी पीछे की तरफ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस अभी आपको मिल जाएगा भाई। सही है, स्पेस तो अच्छा है और कंफर्टेबल सीट्स भी हैं, चाहें तो आप आराम से 3 लोग इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। रूफ़ में सेंटर में आपको क्या मिलता है, ये मिलता है आपको जो इसकी जो रूफ लाइट है ये मिल जाती है, ये अच्छी चीज़ है। ग्रिप होल्डर्स आपको ड्राइवर साइड में छोड़ करके बाकी के 3 साइड्स पर मिल जाते हैं। और सीट्स की एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपको कपड़े की सीट्स यानी कि फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि कुछ इस तरह के पैटर्न में आपको मिल जाएंगी, कुशनिंग अच्छी दी हुई है और जो इसके हेडरेस्ट है ना ये भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, तो ये आपको 4 सीट्स पे मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के मेन हिस्से यानी कि सबसे आगे वाली सीट पे, वैसे गाड़ी में हर हिस्सा मेन ही होता भाई। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर लुक रहने वाला है जो कि आप पहले एक बारी झलक ले लीजिए, फिर आपको कंप्लीट दिखाते हैं इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डोर से क्या क्या मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था इस गाड़ी में आपको 2 ट्विटर और 4 स्पीकर्स यानी कि 2 ट्विटर 4 स्पीकर मिलते हैं, तो इसके लिए ट्विटर की प्लेसमेंट जो है बिल्कुल कॉर्नर पर दी गई है इस तरफ। और आपको बता दूं यहाँ पर इसके डोर में जो डोर हैंडल है ये आपको अगेन ब्लैक मिलेगा, एक आपको ग्रिप हैंडल भी यहाँ पर दिया जाता है, आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छा है। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन आपको मिल जाता है, साथ में आपको 4 पावर विंडोज का सेट मिल जाता है, देखिए 4 डोर्स में आपको पावर विंडो मिल जाएंगी। और इसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप पानी की बॉटल डाल सकते हैं, फाइलिंग वाइलिंग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, मैगजीन्स रख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आपको रखनी हो। स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर करी गई है डोर के कॉर्नर पे। सीट मैं आपको दिखा चुका था बट आप यहाँ पर फिर से एक बड़ी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का जो फ्रंट सीट है इसकी लुक रहने वाली है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। अब देखिए ऊपर से हमें क्या क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है, सन वाइजर्स मिल जाता है जिसमें टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, ड्राइवर साइड में को ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाते हैं जो कि हमारी फीमेल व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आएगा। डैशबोर्ड आप देखेंगे कुछ इस तरह का सरफेस रहने वाला है, प्लेन है और प्लास्टिक मटेरियल में ही दिया हुआ है, ब्लैक मटेरियल है ये, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर एयरबैग की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर करी गई है, फ्रंट 2 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में आपको एयरबैग्स दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पर देखें तो कुछ स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि इसका एक ग्लव बॉक्स 2 हिस्सों में खुलता है, एक ऊपर की तरफ खुलता है, कुछ इस तरह से स्पेस ठीक ठाक आपको मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर यानी कि नीचे की तरफ दिया गया है, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट्स आपको कुछ दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी लुक मिल जाती है, और सेम आपको सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पर भी मिल जाएगा इसके सराउंडिंग, जहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, बीच में आपको हज़ार्ड लाइट की जो बटन है वो मिल जाता है, म्यूज़िक सिस्टम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसका बटन आपको इधर देखने के लिए मिल रहा है। उसके कुछ कंट्रोल्स हैं ये आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि ऑटोमेटिक AC आपको दिया जाता है जिसका आप कंट्रोल यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी लुक में आ जाता है। एक डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके नीचे आपको क्या मिलता है, तो आपको बता दूं कि USB ऑक्स के लिए पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं, और 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी इधर दिया जाता है। कुछ स्पेस आपको इसके नीचे मिल जाएगा, गहरा है, और कुछ सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं।
इस गाड़ी में जिसमें हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये इसका मैनुअल वेरिएंट है, यानी कि 5-speed मैनुअल गियर के साथ ये गाड़ी आती है। तो इसका जो गियर लीवर है कुछ ऐसा रहने वाला है, आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और इसके जो साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश भी मिल जाती है, और ये जो लीवर है ये लेदर रैप आता है। सेंटर कंसोल में ही आपको यहाँ पर जो हैंड ब्रेक है ये मिल जाती है सिल्वर टिप के साथ में। दो कप होल्डर आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, छोटा छोटा स्पेस आपको मिल जाएगा, पीछे भी एक होल्डर जो है वो मिल जाता है, कुछ भी सामान आप इसमें रख सकते हैं। बात करें इसके ऑडोमीटर की, तो कुछ इस तरह का एक इम्प्रेसिव सा ऑडोमीटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह की ये जो फंक्शंस हैं इसमें मिल जाएंगे। MID एक छोटी सी मिल जाती है बीच में, जो कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे देती है। तो यहाँ साइड से जो बटन दिया हुआ है इसको आप पुश करके इसमें सारी जो फीचर्स हैं ये भी आप अलग अलग तरीके से फीचर सेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह का रहने वाला है, सिंपल है, सोबर है। यहाँ पर आपको कोई कवर नहीं मिलता है, लेकिन आप एसेसरीज से इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपको जो यहाँ पर कंट्रोल्स हैं ये आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। म्यूट है, मोड है, वॉल्यूम अप डाउन है, और ट्रैक आप चेंज यहाँ से कर पाएंगे। हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको सेंटर में दी गई है, सुजुकी का लोगो आपको बीच में मिल जाता है, और एयर बैग भी आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में खासियत ये भी है कि आपको ये टिल्टेड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग तो सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको टिल्टेड मिलता है, आपको टेलीस्कोपिक नहीं दिया जाता। इंजन स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 104 BHP की पावर प्रोड्यूस करके देता है, साथ ही आपको 138 Nm टॉर्क भी जनरेट करके ये दे देती है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स जो है इसके कवर कर लिए होंगे, लेकिन कुछ अगर गलती से छूट गए हो तो उसके लिए झिझके नहीं, सीधा कमेंट करें, हमसे पूछें कि वो पॉइंट हमने मिस कर दिया, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको सारी डिटेल अगेन दे देंगे। साथ ही गाड़ी लेने के इच्छुक हैं तो आप इस शोरूम से, यानी कि फेयर डील नोएडा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपको काम का लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है।